इलेक्शन ना हुए ऐसा चाहते थे। सब पार्टियों को बोला था कि एक साल के लिए पैसा, लोगों का वक्त खराब करने के बजाय इलेक्शन ना लड़ी जाए, और यूनैनिमसली एक नाम देके ये इलेक्शन अवॉइड करो। लेकिन दुर्भाग्य से ये इलेक्शन, तो हमारा फर्ज था कि इलेक्शन लड़ना, गए इलेक्शन में अपनी पार्टी हारी, लेकिन उसके बावजूद 223,000 वोट जब जीते थे बलिराम जाधव, उस वक्त 223,000 वोट थे, वो 293,000 इतने हुए, मतलब हार के भी बुरी तरह से हारे, लेकिन हार के भी अपने 70,000 वोट बढ़े थे। बाद में विधानसभा की इलेक्शन हुई तो लोकसभा के क्षेत्र के 6 में से 5 जगह पे कैंडिडेट हम अपने खड़े थे, और एक अलग लहर थी। फिर भी 317,072 वोट मिला के बहुजन विकास आघाड़ी पूरे इस क्षेत्र में, इस लोकसभा के क्षेत्र में एक नंबर थी। अपने बाद शिवसेना 245,000 पे थी, उसके बाद बीजेपी 210,000 पे थी, मतलब शिवसेना से 70-75,000 वोट्स हमें ज़्यादा थे, बीजेपी से 125,000 वोट हमें ज़्यादा थे, कांग्रेस तो नाबक के बराबर थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ 5 क्षेत्र में लड़े थे, ये लोग 6 क्षेत्र में लड़े थे विधानसभा के। अपना मैनिफेस्टो बलिराम जाधव, ये जो अपने एमपी थे, उन्होंने धानू तक रेल सेवा लेके गई, अहमदाबाद से चेन्नई तक ट्रेन चालू की, गैस पाइप द्वारा जो आज नल से पानी आता है और मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आता है, नल से पानी आता है वैसे ही पाइप से, नल से गैस का टेंडर बलिराम जाधव के कार्यकाल में, जब वो एमपी थे उस वक्त वो टेंडर निकला हुआ। दुर्भाग्य से 4 साल, मैं किसी पे टीका नहीं करूँगा, लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल बाद में लास्ट 1 साल में भाग दौड़ करके वो गुजरात गैस कंपनी को जो टेंडर मिला है उनके अफसर को बुला के ये काम तुरंत चालू होना चाहिए, और अपने जो एक्स मेयर प्रवीणा ठाकुर, इनके हाथ से एक 4 महीने में किया, 1 साल 1.5 साल में वो गैस अपने घरों में पाइप से आधे कीमत में आएगा, जो आज का खर्चा है उस हिसाब से देखेंगे। अपने यहाँ कृषि विद्यापीठ, कोकण कृषि विद्यापीठ का सब सेंटर पालघर में होने के हिसाब से बलिराम जाधव ने अच्छा खासा फंड मिला के दिया। वाइस चांसलर ने उस वक्त उनको पैसा भी, खत भी लिखा कि हम आपके आभारी है कि आपने ऐसा ऐसा फंड मिला के दिया सब सेंटर के लिए। अपनी आज जो वसई तालुका में सफिशिएंट पानी आ रहा है, तो अपने उस वक्त के एमपी बलिराम जी जाधव, 2 MLA विलास तरे, क्षितिज ठाकुर, उस वक्त तो मैं एमएलए नहीं था, तो इन तीनों ने की हुई मेहनत की वजह से आज आप देखते हैं थाना में 25%, 30% कट है, मुंबई में 20% कट है, इधर 40% कट है, ऐसे रोज अखबार में पानी के बारे में आता है। लेकिन वसई तालुका में जो जुलाई में पूरा बारिश गिरने के बाद पानी मिलता है, उतना ही आज आप हम सप्लाई कर रहे हैं नए पानी के वजह से। आज पानी की दिक्कत कहीं पे है ऐसा मुझे लगता नहीं। इसके साथ साथ
कॉरपोरेशन के माध्यम से कॉरपोरेशन को फंड उपलब्ध कर देना, हम तीनों MLA आए, पहले बलिराम जादव थे, दुर्भाग्य से लास्ट 4 साल में कोई फंड नहीं आया MP के माध्यम से। 2700 करोड़ की स्कीम उस वक्त के CM, मैं MLA नहीं था, क्षितिज ठाकुर, विलास तरिया और बलिराम जी यादव ने ड्रेनेज पानी की लाइन के लिए केंद्र के पास भेजा था। उस वक्त इलेक्शन लग गई और बाद में वो खटाई में गिर गया, शायद जानबूझ के गिराया होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, MLA, MP, ये एक विचारधारा के हो गए। कुछ लोग सोचेंगे कि एक MP क्या करेगा, तो एक MP ने, मैंने बोला बलिराम जी यादव ने क्या किया, तो एक MP हमको सबके दरवाजे खुले करके दे सकता है। वो कोई भी पार्टी के मिनिस्टर हो, उधर अपने डेलीगेशन लेके जा सकता है और उधर अपने प्रश्नों को, अपने क्षेत्र के प्रश्नों को न्याय मिला के दे सकता है। और इसीलिए ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। अभी महानगर पालिका के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल, अपने बच्चे जहाँ पे जॉगिंग हो, रेसिंग हो, वॉकिंग हो, रेसलिंग, कुश्ती, बाद में स्विमिंग, टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, ये सब जो इंडोर गेम्स है, कैरम, चेस, ये सब इंडोर गेम और आउटडोर गेम। ये आज विरार में भूमि पूजन किया है, सोपारा में एक अच्छे जगह पे 17-18 एकड़ जगह में जो पुलिस स्टेशन के बाजू में, उधर वैसा क्षेत्र निर्माण करने का प्रयास अपनी कॉरपोरेशन कर रही है। कुछ बिल्डिंगों की दिक्कत है, वो अगर शिफ्टिंग वगैरह होते हैं और पूरा एक जगह पे होता है तो उस हिसाब से भी कॉरपोरेशन ट्राई कर रही है। वैसे ही ग्राउंड पे अगर लोगों ने अलाउ किया तो उधर भी, और बाकी रास्ते है, पानी की सुविधा है, गटर्स है, ड्रेनेज सिस्टम है। आप बोलिए कुछ जगह पे अटके हुए हो गए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने नगर सेवक या जो भी काम लाते वो काम, और यही काम लेके अपनी पार्टी लोगों के सामने जा रही है। और अपने पार्टी का उद्देश्य की है नीचे से ऊपर तक सब एक जुट रह के ज़्यादा में ज़्यादा अपने क्षेत्र का काम कैसा होगा वो देखेंगे। मी बळीराम सुकुर जाधव, पालघर पोटनिवडणुकीसाठी बहुजन विकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून रणांगणामध्ये उतरलेलो आहे। आमच्या पक्षाने बहुजन विकास आघाडी या पक्षाचे आमचे अध्यक्ष लोकनेते हितेंद्र ठाकूर, माझा आराध्य दैवत आप्पा, यांनी सुरुवातीलाच सर्व पक्षांना आवाहन केलं की पालघरची पोटनिवडणूक होऊ नये, वनगा साहेबांच्या निधनानंतर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना त्यांच्या घरामध्ये उमेदवारी द्यावी आणि निवडणूक होणार नाही याच्यासाठी आमच्या अध्यक्षांनी प्रयत्न केले। परंतु सर्वच पक्षांनी निवडणुकीमध्ये उड्या मारल्यानंतर आम्हाला देखील आमच्या पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी रणांगणात ना इला जास्त उतरावं लागलं। एकही बोलूंगा, बलिराम जाधव के लिए हमें इलेक्शन में काम नहीं करना है, अपने पार्टी के लिए, अपने हित के लिए, अपनी निशानी सिटी सिटी सिटी। उत्तम प्रशासन द्वारा सर्वोत्तम प्रगति का संकल्प लेकर चलने वाली बहुजन विकास आघाड़ी ने क्षेत्र के हर समुदाय, हर वर्ग के नागरिकों द्वारा देखे जाने वाले सपनों को साकार किया है। बहुजन विकास आघाड़ी जय।